नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात कर लेंगे भारत के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के बारे में, यानी कि पिनाका को लेकर बात करने वाले हैं। तो इसको लेकर अपडेट ये है, पिनाका रॉकेट का जो पहला यूनिट है वो मैन्युफैक्चर किया गया है एक प्राइवेट फर्म के द्वारा। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जहाँ पे जो प्राइवेट फर्म है वो पिनाका MBRL को मैन्युफैक्चर करने जा रही है, क्योंकि इससे पहले ये काम ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड कर रही थी, जहाँ पे ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है DRDO ने, वो आज से तकरीबन 7 या 8 साल पहले किया था। उसके बाद जो ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो इसको मैन्युफैक्चर कर रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका टेक्नोलॉजी डेवलपर है, यानी कि R&D लैब है, DRDO है, तो उसका काम यह है कि वो आपको एक तकनीक डेवलप करके दे देगी और उसके जो पैरामीटर हैं, कौन से पैरामीटर पे वो मैन्युफैक्चर किए जाने हैं, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, मुख्य रूप से जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है वो प्रॉपर नहीं है। और जब ऐसा होता है तो जो आपके वेपन सिस्टम है वो आमतौर पर फेल करते हैं। और ऐसा ही कुछ पिनाका को लेकर देखने को मिला है, जहाँ पे इस MBRL के फेलियर को लेकर जो कंप्लेन है इंडियन आर्मी की तरफ से वो काफ़ी सुनने को मिली है। स्पेशली पिनाका MBRL के जो फ्यूज है और फ्यूल है, इन दोनों को लेकर जो कंप्लेन है वो मिली है। तो यहाँ पे बहुत ऐसे मौक़ों पे डिफेक्टिव फ्यूज होने की वजह से ये जो रॉकेट थे वो अपने लक्ष्य से पहले ही फट जाते थे, यानी कि जो टाइम फ्यूज है वो प्रॉपर से काम नहीं कर रहा था। वहीं पे इनके अंदर डिफेक्टिव अम्यूनिशन होने की वजह से भी कई बार जो प्रॉब्लम का सामना है वो आर्मी को करना पड़ा है। और ये सभी की सभी चीज़ें यही नहीं रुकती है, जो आपके टैंक के अम्यूनिशन है जिसे ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने मैन्युफैक्चर किया था, तो इस तरह के अम्यूनिशन में भी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिली है। वहाँ पर डिफेक्टिव फ्यूज होने की वजह से अम्यूनिशन जो है कई बार टैंक के बैरल में ही फट गए थे। और ऐसा ही हुआ था अभी हाल फिलहाल में ही M777 के साथ, जहाँ पे बैरल में ही अम्यूनिशन फट गया था। तो इस तरह के जो मेजर इश्यूज हैं मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को लेके, वो सामने देखने को मिल रहे थे ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को। और ये सिर्फ मैं या फिर कोई मीडिया नहीं कह रहा है, जो CAG की रिपोर्ट थी 2017-2018 की, उसने बजावते मेंशन किया हुआ है इन सभी फेलियर्स को। और इसी का कहीं ना कहीं जो नतीजा है वो आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट किए जाने के बाद जो पिनाका की मैन्युफैक्चरिंग है ज़्यादातर जो काम है वो प्राइवेट प्लेयर करने वाले हैं। और ये भी एक मेजर कारण रहा है कि पिनाका को लेके जो मास प्रोडक्शन है बड़े नंबर में वो नहीं किया गया है। अभी फिलहाल ये काम भारत की एक प्राइवेट कंपनी कर रही है, जिसने तकरीबन 6 रॉकेट बनाए थे पिनाका के, उसको टेस्ट किया है, ट्रायल किया है, सफल रहे हैं सभी डेवलपमेंटल ट्रायल। कंपनी का नाम आप जानते ही होंगे, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, यानी कि EEL। ये वही कंपनी है जो DRDO की TBRL की मल्टी मोड ग्रेनेड है तकरीबन 10 लाख के नंबर में वो मैन्युफैक्चर कर रही है इंडियन आर्मी के लिए। तो ये कंपनी सोलेयर एंटरप्राइज की सब्सिडियरी है, जहाँ पे अभी ये मैन्युफैक्चर करने जा रही है जो भी आपके पिनाका MBRL है उनको। आर्मी को तकरीबन 1000 के नंबर में पर ईयर पिनाका की जरूरत पड़ती है। वहीं पे एक और जो बड़ा ऑर्डर है वो देखा जा रहा है आर्मी की तरफ से, जहाँ पे पिनाका MBRL के जो 2 रेजिमेंट है वो प्रोक्योर किए जाने हैं आर्मी के द्वारा। यहाँ पे 2 रेजिमेंट की जो कीमत है वो 45,000 करोड़ रुपए के अराउंड है। तो ये दोनों के दोनों जो रेजिमेंट है वो भारत की प्राइवेट कंपनी L&T और टाटा एरोस्पेस एंड डिफेंस बनाने जा रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड से ज़्यादातर जो काम है वो वापस ले लिए जा रहे हैं, ताकि जो काम की क्वालिटी है उसको ऊपर ले जाया जा सके। वैसे ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेके जो कॉरपोरेटाइजेशन है वो ऑलरेडी प्लान किया गया है। आप पिनाका के बारे में जानते होंगे, जो रेंज है वो 40 से लेके 70 किलोमीटर तक जाती है। अगले अपडेट में हम बात कर लेते हैं जो कल्याणी ग्रुप का आर्टिलरी गन है, यानी कि भारत 52, वो अपने फाइनल ट्रायल में जा रहा है। तो भारत फोर्ज ने 4 जो आर्टिलरी गन है वो डेवलप किए थे। पहला आपका हो जाता है भारत 52, जो कि एक 155 mm 52 कैल का गन है। तो ये कल्याणी ग्रुप का पहला ऐसा गन था जो उन्होंने बनाया था आर्टिलरी गन के रूप में, और ये गन बेस्ड है इजरायली गन के ऊपर। यहाँ पर जो आपका भारत 52 है उसका जो वेट है वो 15 टन के अराउंड है, जो कि 48 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। वहीं पे जो दूसरा गन है वो DRDO के साथ मिलकर बनाए हैं ATAGS, और 2 और गन बनाए हैं जो कि 155-39 और 155-52 में है। और ये दोनों ULH हैं, यानी कि अल्ट्रा लाइट हाविजस हैं। तो यहाँ पे फिलहाल खबर ये है कि जो भारत 52 है उनका वो फाइनल ट्रायल में जाने वाला है। इस पर्टिकुलर गन में जो इंटरेस्ट है वो सऊदी अरेबिया ऑलरेडी दिखा चुका है। वहीं पे जो उनका गन है DRDO के साथ, यानी कि ATGS, उसके तकरीबन 150 यूनिट आर्मी प्रोक्योर करेगी जल्द ही, क्योंकि आप जानती होंगे ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है हाविजर गन को लेके, ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो नेगेटिव लिस्ट है इंपोर्ट की, मतलब जिनको फॉरेन से प्रोक्योर नहीं किया जाएगा, ये उसमें शामिल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो कल्याणी ग्रुप के पास है अभी। और इन सब को देखते हुए ये जो ट्रायल्स हैं वो कम्प्लीट किए जा रहे हैं एक पेस पे,
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।